मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में विचरण करने वाले बाघों के आवारा कुत्तों से सुरक्षा के लिए नजदीकी ग्रामों के कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा। ऐसा बाघों को कुत्तों से फैलने वाले वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए किया जा रहा है। वर्तमान में ये बीमारी बाघों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरी है, जिसके चलते सरकार और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। कुत्तों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस और अन्य सात बीमारियों की रोकथाम के लिए 15 नवम्बर से टीकाकरण किया जाएगा। वर्ष 2024-25 में तकनीकी प्रस्ताव के अनुसार 7 दिसंबर तक 18 ग्रामों में, 2 से 25 जनवरी तक शेष 18 ग्रामों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके बाद बूस्टर टीकाकरण की तिथि निर्धारित की गई है। जैसा कि आपको विदित है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के समीपवर्ती लगभग 36 ग्रामों में लगभग 1150 जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, तो उनका टीकाकरण किया जाना है। और उद्देश्य ये है कि जो कैनाइन डिस्टेंपर, रेबीज जैसी बीमारियां हैं जो कुत्तों से वन्य प्राणियों में फैल सकती है, इन्हीं की रोकथाम के लिए और अन्य 7 बीमारियों की रोकथाम के लिए भी यह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। और ये हमारे जितने पशु चिकित्सक हैं, हमारे जो वन्य प्राणी चिकित्सक हैं, डॉक्टर संजीव गुप्ता, उन्हीं की निर्देशन में जो उनकी पूरी टीम है, जो गौ सेवक हैं, जो AVFO रहते हैं, उनके माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है।